आप पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, हर स्टेट के लोग हैं यहाँ पर। आप मुझे एक मिसाल बता दीजिए कि आपको एक मिसाल ऐसी पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिलेगी। सामने जॉगर्स पार्क हमने बनाया, 8-8, 10-10 फुट का गड्ढा था। डॉक्टर अलका तरार यहाँ पर होंगे कहीं पे, उनको पता है वो शांति नगर में 85 ऑनवर्ड शी इज देयर। तो हमने किया, करके दिखाया। आज भले ठीक है सत्ता में जो रहते हैं वो नाम बदल देते हैं, नाम निकाल देते हैं, नाम खोल के निकाल देते हैं, मगर ताजमहल किसी ने बनाया, तकदीर बदलने से कोई शाहजहां को नहीं भूलने वाला, भूलेगा क्या? हम तो लोगों के दिल में बसते हैं, दिल में से नाम कैसे निकालेगा? डेमोक्रेसी है, सत्ता में जो आएगा अपनी चलाएगा, मगर लोगों के दिल में जो बसा है, क्योंकि हमने ये जो काम किया, हमारे में कहते हैं कि मरने के बाद में हमने फिक्स डिपॉजिट बनाया, सर्वधर्म समभाव की हमने निशानी की, और अंतिम यात्रा के लिए सब लोगों के लिए हमने किया, ब्लड बैंक बनाया। पूरे शहर में एक ही ब्लड बैंक है, राजीव गांधी ब्लड बैंक, आपको मालूम है? कोई दूसरी ब्लड बैंक नहीं, एक ही मुंसिपल हॉस्पिटल है जो चल रहा है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। हफ्ते में एक बार मैं जाता हूँ, आते जाते गाड़ी रोकता हूँ, एक बार अंदर जाता हूँ। मैं भले कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, एमएलसी नहीं हूँ, जाता हूँ। 7 डायलिसिस की मशीन मैंने अपने एमएलसी फंड से लगाई, 3,500 से 4,000 लोगों की डायलिसिस वहां पर होती है। उस अस्पताल से 40,000 लोगों को ओपीडी की मेडिसिन मिलती है। गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर थे, 2 करोड़ रुपए का फंड चाहे भी प्रोडक्टिव हेल्थ केयर यूनिट के अंदर हमने लाया और नर्सिंग होम उसमें चलाया।